हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम 2009 यूपी टीजीटी बायोलॉजी के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने यूपी टीजीटी 2004, यूपी टीजीटी 2005 का पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। 2004 से पहले यूपी टीजीटी के पेपर में 85 क्वेश्चंस पूछे जाते थे फॉर 2 आवर्स एंड दैट फॉर 425 मार्क्स। लेकिन 2004 के बाद पैटर्न चेंज हुआ और इसमें 125 क्वेश्चंस पूछे जाने लगे फॉर 2 आवर्स अगेन फॉर 425 मार्क्स। तो इस बदले हुए पैटर्न के बाद 2004, 2005, 2009, 2010, 2013 और 2011 में लेटेस्ट आपका यूपी टीजीटी का पेपर हुआ है। और जो आपका 2016 का पेपर है वो शेड्यूल्ड है 31 जुलाई को, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन सारे सेट को हम सॉल्व कर सकें। 2004, 2005 ऑलरेडी अपलोडेड है और 2009 हम सॉल्व कर रहे हैं, रिमेनिंग पेपर्स को भी हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लब मॉस? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 3, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को कॉमनली क्लब मॉस कहा जाता है। वहीं आपका सिलाजिनेला जो है उसको लिटिल क्लब मॉस कहते हैं और आपकी इक्विसीटम को हॉर्स टेल कहते हैं। ये तीनों टेरिडोफाइट्स हैं, तो आप इन तीनों के नाम याद रखिएगा। आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन 3, लाइकोपोडियम। रैफे इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन? तो आपका जो रैफे है वो मार्सिलिया के स्पोरोकार्प में पाया जाता है। मार्सिलिया एक हेट्रोस्पोरस स्पीसीज है जिसमें 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, एक माइक्रोस्पोर्स और दूसरा मेगास्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स होते हैं वो अलग अलग स्पोरेंजिया में होते हैं जो कि एक कॉमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से डेवलप होते हैं, जिसको कहा जाता है स्पोरोकार्प। तो रैफे आपके इसी स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, स्पोरोकार्प। द स्टील टाइप अकरिंग इन मार्सिलिया इज? तो आपका मार्सिलिया में जो स्टील सिस्टम है वो है एम्फीफोलिक सिफोनोस्टील। वहीं आपका प्रोटोस्टील सिलाजिनेला में होता है और सोलेनोस्टील आपका ऑस्मुंडा में फाइंड होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, एम्फीफोलिक सिफोनोस्टील। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर ऑफ सिलाजिनेला इज? तो सिलाजिनेला की जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिवाइडेड होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स, इन तीनों में। सिलाजिनेला के कुछ स्पीसीज में जो आपका रूट है उसको राइजोफोरा कहते हैं। ये एक प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रांचिंग के एक पॉइंट से निकलता है। इसका बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टर होता है, ये रूट और स्टेम दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसके मॉर्फोलॉजिकल नेचर को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है। कुछ साइंटिस्ट इसको रूट और स्टेम के बीच की एक स्ट्रक्चर मानते हैं, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, बोथ रूट एंड स्टेम लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिलाजिनेला शोज? तो सिलाजिनेला में आपके 2 तरह के लीव्स होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल लीव्स, और ये दोनों आपस में स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। इनमें लिग्यूलेट लीव्स होती है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज स्पाइरली। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके टेरिडोफाइटा से ही थे। इन लोगों के क्वेश्चन पैटर्न का कुछ आइडिया नहीं है, एक ही टॉपिक उठा के सारे क्वेश्चंस उसी से दे देते हैं। आगे देखते हैं, द अनाटोमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ अ? तो आपकी जो पाइनस की लीव्स होती है वो नीडल शेप होती है और ये जेरोफिटिक कैरेक्टर्स को शो करती है। ये प्लांट्स जनरली आपके स्लोपी एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पर रेन वाटर बहुत ही मुश्किल से टिकता है और बहुत कम वाटर इनको मिल पाता है अब्सॉर्प्शन के लिए। और बहुत ज़्यादा ठंडक में जब स्नो फॉल होती है तो उस समय भी इनका जो रूट होता है वो अब्सॉर्प्शन नहीं कर पाता है वाटर का, और एक तरह से इनके लिए ड्रॉट कंडीशन होती है, सूखे की जैसे कंडीशन होती है। तो ये जो नीडल शेप्ड इनकी लीव्स होती है ये इस शेप की वजह से अपने ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल कर पाती है, कम कर पाती है, तो इस वजह से ये सूखते नहीं हैं और ये डाई नहीं होते हैं। तो इसलिए आपकी जो पाइनस की लीव्स है वो जेरोफिटिक कंडीशंस शो करती है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, गर्डलिंग लीव ट्रेसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ? तो आपके साइकस के स्टेम में गर्डलिंग लीव ट्रेसेस पाई जाती है। जो साइकस के लीव्स में वैस्कुलर सप्लाई है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके का होता है। इसमें जो आपके लीव ट्रेसर होते हैं वो डायरेक्टली स्टील से पीटियोल की तरफ ना जा करके एक गर्डल सिस्टम बनाते हैं। हर एक लीफ में 2 लीव ट्रेसर होते हैं वैस्कुलर सप्लाई के लिए, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, साइकस। पाइनस इज अ? तो पाइनस आपका एक ट्री है जो कि स्लोपी हिली एरियाज में ग्रो करता है। ये एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है और इसकी फैमिली है पिनिएसी, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, ट्री।
द रीसेंट एरा इज, तो आपका जो रीसेंट एरा है वो है आपका ऑप्शन वन सीनोजोइक एरा, इसको एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट सीक्वेंस है एराज का वो है आपका आर्कियोजोइक एरा, जब लाइफलेस अर्थ थी, लाइफ नहीं था अर्थ पे। उसके बाद आपका प्रोटीरोजोइक एरा यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट या ओरिजिन हुआ। उसके बाद आपका पेलियोजोइक एरा एज ऑफ फिशेस, फिर मीसोजोइक एरा एज ऑफ रेप्टाइल्स, और फिर लेटेस्ट है आपका सीनोजोइक एरा एज ऑफ मैमल्स। फॉसिल्स आर फाउंड इन, तो फॉसिल्स हमेशा आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, ये आपके सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बनते हैं। जब रॉक्स टूटते हैं और उनके सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं को आपके सेडिमेंट्री रॉक्स या स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहते हैं, जो कि वाटर के अंडरनीथ बनते हैं। इसलिए आपका सेडिमेंट्री रॉक्स ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई इज, तो आपका फंजाई में जो रिजर्व फूड होता है वो होता है ग्लाइकोजन, ऑप्शन ए। विच इज रूटलेस फर्न, तो आपका सेल्विनिया एक रूटलेस फर्न है, ये एक लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न है जो कि हाइड्रोफिटिक नेचर का होता है यानी वाटर में ग्रो करता है। विच इज़ कॉमन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपका ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो आपका एक इंटरमीडिएट या फाउंडेशन की तरह काम करता है बोथ एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में, इसलिए आपके ग्लाइकोलिसिस को कॉमन माना जाता है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 ग्लाइकोलिसिस। टर्पेंटाइन ऑयल इज अपटेन्ड फ्रॉम, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 पाइनस। जो टर्पेंटाइन ऑयल है वो पाइनस लॉन्गली फोलिया से अपटेन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अल्गा वॉज यूज बाई केल्विन एंड हिज को वर्कर्स इन देयर एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, तो केल्विन और उनके को वर्कर्स ने क्लोरेला को यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, इसलिए आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा क्लोरेला। विच इज़ एन ऑयल सीड क्रॉप, तो आपका ऑप्शन 4 सनफ्लावर, हेलियंथस एनुअस एक इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन वॉस, तो आपका ट्रांसजेनिक क्रॉप वो क्रॉप होता है जिसके जीन्स को ऑल्टर कर दिया गया या चेंज कर दिया गया है बाय मैनिपुलेशन, इस तरह के क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहा जाता है। इनमें फॉरेन डीएनए का इंट्रोडक्शन करके एक न्यू वैरायटी डेवलप की जाती है। तो आपका जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट था जिसको यूज़ किया गया था फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन वॉस, वो है आपका टोबैको, ऑप्शन 3। वहीं आपका अगर इंडिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पूछा जाए तो वो होगा आपका बीटी कॉटन, आप इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 टोबैको। रेयर हाइब्रिड प्लांट्स कैन बी सेव्ड बाय, तो आपके जितने भी रेयर हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उनकी प्रोजेनी या उनके जीन पूल को सेव करने के लिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर किया जाता है। इसमें नेकेड सेल्स होते हैं क्योंकि इनके सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है और इन्हें कल्चर किया जाता है सेमी सॉलिड अगार या लिक्विड मीडियम में, ताकि इन्हें फ्यूचर यूज़ के लिए सेव किया जा सके। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रोटोप्लास्ट कल्चर। विच इज़ नॉट अ कैटेगरी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 इको टाइप, इट इज़ नॉट अ कैटेगरी। तो आपकी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को किया जाता है, तो वो है आपका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो आपका जो ऑप्शन 1 है इकोटाइप, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। लिनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है सिस्टमा नेचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन क्लोरोफिल इज बर्नड व्हिच एलिमेंट इज अबटेन्ड, तो आपका जब क्लोरोफिल को बर्न किया जाता है तो उससे मैग्नीशियम आयन अपटेन्ड होते हैं, क्योंकि आपके क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल आपका एक मैग्नीशियम पोरफायरिन कॉम्पाउंड है, जो पोरफायरिन रिंग होती है इसमें, उसमें 4 पायरोल रिंग होते हैं जो आपस में CH ब्रिज बनाते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 मैग्नीशियम। आयरन डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन, तो आपका आयरन डिफिशियंसी से रैपिड क्लोरोसिस होती है, यानी जो लीव्स के कलर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंटरवीनियल क्लोरोसिस अपियरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अ फाइटो हार्मोन इस, तो आपके प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, जो कि नेचुरली और सिंथेटिक दोनों तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे आपका IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ये एक नेचुरली प्रोड्यूस्ड प्लांट हार्मोन है। वहीं आपका 2,4-D एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड प्लांट हार्मोन है, 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द सीज़मोनास्टिक मूवमेंट्स इन मिमोसा पुडिका द टर्गर प्रेशर चेंजेस अकर्स इन,
तो जो टर्गर प्रेशर चेंज होता है वो उसके पल्वाइनस में होता है जो लीव बेस पे प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, पल्वाइनस लीव बेस। एवरग्रीन ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर ऑन अकाउंट ऑफ, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, लीव्स फॉलिंग इन स्मॉल नंबर एट इंटरवल्स। इसी की वजह से ये अपने एवरग्रीन नेचर को मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इस, जब आप डाईहाइब्रिड F1 जनरेशन के प्रोजनी को होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो इसको कहा जाता है डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, और इसमें जो आपका फिनोटिपिक रेशियो आता है वो होता है 1:1:1:1, ठीक है। अगर यही आपका डाईहाइब्रिड बैक क्रॉस पूछ लेता तो बैक क्रॉस का मतलब होता है जब आप F1 जनरेशन की जो प्रोजनी है उसको एदर ऑफ द पेरेंट्स, यानी आप चाहे डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट से या रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस करेंगे, इन दोनों केसेस में आपके बैक क्रॉस हो चाहे टेस्ट क्रॉस हो, दोनों में आपका रेशियो 1:1:1:1 आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन, तो आपका जो ओजोन लेयर होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डिनरली नॉट एन एयर पल्यूटेंट, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, CO2। तो आपका CO2 तब तक एक एयर पल्यूटेंट नहीं होता है जब तक इसका एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है एटमॉस्फेयर में 413.55 पार्ट्स पर मिलियन या फिर 0.04% बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन है तो ये एयर पल्यूटेंट नहीं है, अगर इससे ज़्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ये एयर पल्यूटेंट के कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स आर मेड बाय, तो जीन आपका वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है DNA का जिसमें जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए माना जाता है कि जीन्स मेनली DNA के बने होते हैं, और एक DNA आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, इसलिए माना जाता है कि जीन भी आपका उसी कॉम्पोजिशन का बना होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, तो टर्म इकोसिस्टम दिया था टेंसले ने, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। द फर्स्ट जुविनाइल लार्वा ऑफ एस्कैरिस इज नोन एज, तो जो एस्कैरिस का आपका फर्स्ट जुविनाइल लार्वा होता है उसको रैप्टिडी फॉर्म ऑफ लार्वा कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। वहीं अगर हम मिरासीडियम लार्वा की बात करें तो ये आपका फैशियोला हिपैटिका में होता है, और आपका माइक्रोफाइलेरियल लार्वा वुकेरिया बैनक्रॉफ्टाई में होता है। क्रोमोसोम्स कंटेन, तो क्रोमोसोम्स आपका DNA, RNA, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन इन सब का बना होता है, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच आर फैगोसाइट्स इन लीवर, तो लीवर सेल्स में आपके फैगोसिटिक सेल्स होते हैं जिसको कफर सेल्स कहते हैं, ये जो डेड इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, RBCs होते हैं और हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, इन सबको ये इंजेस्ट करके इनको किल करता है या ख़त्म करता है। टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सेक्रेटेड बाय द, तो जो आपका टर्माइट्स होता है ये वुड में प्रेजेंट सेल्यूलोस को आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि इनके जो मिडगट होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं सिम्बियोटिक प्रोटोजोन्स। ये सिम्बियोटिक प्रोटोजोन आपका ट्राइकोनिम्फा है जो इसके गट में होता है और सेल्यूलोस के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो आपके हनी बीस में नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस देखी जाती है जिसमें आपके जो ड्रोन्स होते हैं जो मेल होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं, वहीं आपकी वर्कर हनी बीज और क्वीन ये फर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, अनफर्टिलाइज्ड एग्स। जेकबसन्स ऑर्गन इज कंसर्न्ड विथ, तो आपका जो जेकबसन्स ऑर्गन होता है ये एक ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन होता है जो स्मेल से रिलेटेड होता है, ये नेजल चेंबर में प्रेजेंट होता है लिजर्ड के, स्नेक्स के और स्फिनोडॉन के, यानी मोस्टली ये आपके रेप्टाइल्स में देखा जाता है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा स्मेल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ, तो आपका जो हाइड्रा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपके टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा टिश्यू ग्रेड। लीच अपटेन्स कंटिन्यूस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय पोरिंग इन इट, तो आपका हिरुडिनेरिया या लीच में प्रेजेंट होता है एक एंटीकोगुलेंट जिसको कहते हैं हिरुडिन, इसी को पोर करने की वजह से ये अपने होस्ट से कंटिन्यूस ब्लड की सप्लाई या ब्लड को सक कर सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, हिरुडिन। स्पिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेस आर फॉर्म्ड बाय, तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है स्क्लीरोब्लास्ट सेल्स। स्क्लीरोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के मीसेनकाइमल अमीबोसॉइड सेल्स होते हैं जो कि क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं और स्पाइन या रे की तरीके से बॉडी से बाहर निकले होते हैं, ठीक है, तो ये स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होते हैं।
तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन थ्री, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। हेट्रोसीलस सेंट्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो हेट्रोसीलस सेंट्रम जो है वो बर्ड्स में फाउंड होता है, ऑप्शन थ्री करेक्ट होगा, बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सक्लूसिवली सेडेंट्री प्रोटोकॉर्डेट एनिमल्स आर फाउंड इन द क्लास, तो ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन में पूछा गया था क्योंकि आपका टेरोब्रैंकिया में भी बहुत सारे ऐसे हैं ऑर्गेनिजम्स जो सेडेंट्री हैं और प्रोटोकॉर्डेट हैं, और आपके एसिडेसी में भी ऐसे हैं, तो ये कन्फ्यूजन का क्वेश्चन था, इस वजह से आयोग ने इसके लिए कॉमन नंबर्स दे दिए थे, ये एक रॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में था, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही लीव आउट कर सकते हैं, ऑप्शन वन और ऑप्शन थ्री दोनों में कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोपाइज इज फाउंड इन, तो आपके पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है साइटोपाइज, जिसको सेल एनस भी कहा जाता है, तो ये आपके रेसिडुअल मैटर या अनडाइजेस्टेड मटेरियल को एलिमिनेट करने के लिए यूजफुल होता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन, पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल्स इज फाउंड इन, तो आपके जो लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल्स होते हैं वो हमेशा फ्रेश वाटर में फाउंड होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इन फ्रेश वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैडर वॉर्म लार्वा इज द लार्वा ऑफ, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, टीनिया। वहीं आपका ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो नीरिस में देखा जाता है, प्लानुला लार्वा आपका ओबिलिया में होता है, और कैटरपिलर जो है वो सिल्क मॉथ का लार्वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रीशंस एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एनी एंजाइम्स, तो आपका बाइल सेक्रीट होता है बाय द हिपैटिक सेल्स ऑफ लीवर, ये फैट के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये इमल्सीफाई करता है फैट्स को ताकि इस पे अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क कर सकें। बाइल में खुद कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ फैट्स को जो होता है इमल्सीफाई करता है, यानी एक तरह से सरफेस पे लाता है ताकि इस पे दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क कर सकें, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन, बाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, तो आपका करेक्ट आंसर होगा, येलो फीवर जो होती है वो फीमेल एडीज मॉस्किटो से स्प्रेड होती है, ऑप्शन थ्री करेक्ट होगा, फीमेल एडीज। वहीं आपका बात करें अगर मलेरिया की, तो वो आपका फीमेल एनोफिलीज से स्प्रेड होती है, एलिफेंटियासिस जो है वो फीमेल क्यूलेक्स से स्प्रेड होती है, और आपका जो हाउस फ्लाई है वो आपका कॉलरा, डायरिया, इन सारे कंटेमिनेटेड डिसीजेस को स्प्रेड करने में हेल्पफुल होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थ्री, फीमेल एडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन वन, टोनोप्लास्ट। एज ऑफ फिशेस वॉज नोन एज, तो फिशेस के एज को कहते थे डिवोनियन पीरियड, इसलिए आपका ऑप्शन वन करेक्ट होगा। क्वार्टन मलेरिया इज कॉस्ड बाय, तो आपका जो क्वार्टन मलेरिया है दैट इज कॉस्ड बाय प्लास्मोडियम मलेरिया, ऑप्शन टू करेक्ट होगा। वहीं आपके वाइवैक्स मलेरिया की बात करें तो वो प्लास्मोडियम वाइवैक्स से होता है, ओवेल या टर्शियन मलेरिया जो है वो प्लास्मोडियम ओवेल से होता है, और वहीं एस्टिवो एल्यूमिनल मलेरिया आपका प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टू, प्लास्मोडियम मलेरिया। द वर्ड स्पीसीज वॉज कॉइंड बाय, तो ऑप्शन वन करेक्ट है, जॉन रे। एन एम्ब्रियो ऑफ चिक विथ फोर पेयर्स ऑफ सोमाइट्स इज, तो आपका एक चिक एम्ब्रियो जिसमें फोर पेयर्स ऑफ सोमाइट होते हैं वो 24 आवर्स ओल्ड होता है, ऑप्शन थ्री करेक्ट होगा। इस स्टेज पे आपका हेंसन्स नोड जो है वो न्यूरल ग्रूव और प्रिमिटिव स्ट्रीक से अलग हो चुका होता है, आपका कलरलेस एरिया पेल्यूसिडा आसानी से विजिबल हो जाता है, प्रिमिटिव स्ट्रीक जो होता है वो नोटोकॉर्ड और मीसोडर्म का फॉर्मेशन कर लेता है, वहीं आपका एंडोडर्म जो होता है वो फोरगट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इतने सारे चेंजेस होते हैं जब आपके एक चिक एम्ब्रियो में फोर पेयर्स ऑफ सोमाइट्स का फॉर्मेशन होता है 24 आवर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैमल्स क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओल्ड मास ऑफ सेल्स नोन एज, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री, मोरूला। एफ वन पार्टिकल्स आर फाउंड इन, तो एफ एन पार्टिकल्स जिसको आपके ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं, इनको फर्नांडिस मोरान पार्टिकल भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपका ऑप्शन टू करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। द नेम पॉलिटिनी क्रोमोसोम्स वॉज सजेस्टेड बाय, तो जो आपका पॉलिटिनी क्रोमोसोम्स है ये नाम दिया था ई.जी. बाल्बनी ने। नॉर्मली क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इंटरफेस में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जो पॉलिटिनी क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्सेप्शन है। इनको आपके सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है क्योंकि ये इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड में विजिबल होते हैं, आपके जैसे ड्रोसोफिला है, चिरोनॉमस है, इन इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड में ये देखे जाते हैं।
तो आपका ऑप्शन वन करेक्ट होगा, ई जी बालबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रियोल इज फाउंड इन। तो सेंट्रियोल आपके बैरल शेप्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट होते हैं और ये सेल डिवीजन में हेल्पफुल होते हैं। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और कुछ लोअर प्लांट्स में इन्हें देखा जाता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनिमल सेल, ऑप्शन वन। द फर्स्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री इज। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, प्लैटीहेल्मिंथीस। द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज, तो आपका स्पॉन्जिला होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो आपका ऑप्शन वन करेक्ट है। फ्लेम सेल्स आर रिलेटेड विथ, तो फ्लेम सेल्स आपके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं प्लैटीहेल्मिंथीस फाइलम के, जैसे कि आपके फेशियोला और टीनिया में। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेशियोला हिपैटिका लिवर फ्लूक इज, तो आपका फेशियोला हिपैटिका एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है जिसमें आपके प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। तो प्राइमरी होस्ट आपका शीप है, वहीं आपका सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल है, तो ऑप्शन टू करेक्ट होगा। विटिलाइन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन, बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पिगमेंट सिस्टम थियरी ऑफ फोटोसिंथेसिस वॉज प्रपोज्ड बाय, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इमर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट आर एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन ऑफ, जो आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के वो आपके थैलेकॉइड्स में एम्बेडेड होते हैं, तो ऑप्शन वन करेक्ट है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, तो फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम होता है रेड लाइट में, वहीं आपका मिनिमम होता है ग्रीन लाइट में, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री, रेड लाइट। ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड इन पिगमेंट सिस्टम वन इन, तो आपका जो P700 होता है वो रिएक्शन सेंटर होता है पिगमेंट सिस्टम वन का, जहाँ पर सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है। वहीं आपके पिगमेंट सिस्टम टू के केस में रिएक्शन सेंटर होता है P680, ठीक है। तो आपका पिगमेंट सिस्टम वन पूछा है, तो पिगमेंट सिस्टम वन में आपका जो रिएक्शन सेंटर है वो है P700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ नेट गेन ड्यूरिंग द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, 36। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फॉर एंट्री इन जीन पूल अ म्यूटेशन अकर्स इन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जर्म सेल्स। जो आपके सोमैटिक म्यूटेशंस होते हैं उनका कोई असर नहीं होता है जेनेटिक वेरिएशन में और ना ही जीन पूल में, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू, जर्म सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजल्स डिफर फ्रॉम ट्रकीड्स, तो वेजल्स जो होते हैं वो आपके वाटर को कंडक्ट करते हैं, वहीं ट्रकीड्स ये काम नहीं करते हैं। जो वाटर का कंडक्शन होता है वेजल्स के थ्रू वो रूट से लेके लीव्स की तरफ होता है, तो ऑप्शन फोर करेक्ट होगा, बिकॉज दे कंडक्ट वाटर। विच वन इज ट्रू नट, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, कैश्यू नट। प्लस फॉसिलाइजेशन इज आल्सो नोन बाय द नेम, तो फॉसिलाइजेशन को आपके प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, ऑप्शन थ्री करेक्ट होगा। द ब्रांच दैट डील्स विद द प्लांट लाइफ ऑफ द जियोलॉजिकल पास्ट इज कॉल्ड, यानी फॉसिल प्लांट के बारे में स्टडी होती है, तो ऑप्शन टू करेक्ट होगा, पेलियोबॉटनी। बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी इज सिचुएटेड एट, तो ऑप्शन फोर करेक्ट है, लखनऊ। इन प्लांट्स लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस, तो आपका लाइकन में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन अल्गी एंड फंजाई, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री, लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज नोन एज हॉर्स टेल, तो ऑप्शन थ्री करेक्ट है, इक्विसीटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सीलिया इज अ, तो मार्सीलिया आपका एक हेट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट है, इसमें दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, हेट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट। अ प्लांट बेयरिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स इज टर्म्ड अस, तो ऑप्शन वन करेक्ट है, हेट्रोस्पोरी। क्या कहें, ये लोग एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन पाइनस प्रेजेंट ओनली, तो आपके पाइनस में मेल कोन भी होता है, फीमेल कोन भी होता है, फिर थर्ड ऑप्शन भी मेल एंड फीमेल कोन है, तो आपका ऑप्शन फोर होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ साइकस इज, तो आपके साइकस के एम्ब्रियो में दो कॉटिलिडन्स होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन टू, टू। ब्रायोफाइट्स आर,
तो ब्रायोफाइट्स को आपके एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है, यानी ये एम्फीबायस होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, एम्फीबायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट इन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ब्रायोफाइटा। इसमें आपका जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट फॉर द न्यूट्रिशनल पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन गैमेटोफिटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, गैमीट। तो गैमेटोफिटिक फेज में जो ब्रायोफाइटा का है वो लास्ट सेल गैमिट होता है, वहीं स्पोरोफिटिक फेज में जो लास्ट सेल होता है वो होता है स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, गैमिट। इन फ्यूनेरिया द कैलेप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाई। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, कैप्सूल। फ्यूनेरिया में जो कैलेप्ट्रा होता है वो कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। आर्चिगोनियम आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वहीं एंथ्रीडियम आपका मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रायोफाइटा डिफर्स फ्रॉम टेरिडोफाइटा इन। तो आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें आपके वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। एसिड रेन इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ। तो एसिड रेन में आपके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, राइबोसोम्स आर साइट्स फॉर। तो राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ऑप्शन 1। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, तो आपकी जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है वो हमेशा अपराइट होती है, सीधी होती है, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP इज। तो ATP जो होता है उसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड के साथ होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, अ मॉलिक्यूल विथ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल का जो पहला, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस, तो ये तो करेक्ट है। एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ये भी करेक्ट है। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटीरियल, ये आपका रॉन्ग है। तो इनमें जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है। और वहीं आपका 4th है, एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन द क्रोमोसोम्स। तो आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है वो भी आपका एब्सेंट होता है, तो ये भी कोई मैच करने वाला पॉइंट नहीं है। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव पल्यूटेंट। तो आपका जो स्ट्रॉन्शियम 90 है वो बहुत ही हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव पल्यूटेंट है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। द इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर इज। तो जहाँ पर SO2 पॉल्यूशन होता है वहाँ पर लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। द फाउंडर ऑफ सेल थियरी वॉस, तो सेल थियरी को दिया था स्लीटन एंड स्वान ने, ऑप्शन 4। फैट्स इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लिवर एंड मसल्स इज कम्प्लीटेड। यानी जब एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन लिवर और मसल्स में अब नहीं अकोमोडेट हो सकते, नहीं आ सकते, तभी फैट का डिपोजिशन होता है बॉडी में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवर परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, वन ऑफ दीज फंक्शन इज। तो आपका जो ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, वो होता है लिवर में, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नेक्स आर, तो स्नेक्स में जो पॉइजनस फैंग्स होते हैं वो मॉडिफिकेशन होते हैं मैक्सिलरी टीथ के, ऑप्शन 1 करेक्ट है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बैट एंड बर्ड आर, तो ये आपके जो हैं ये एनालॉगस ऑर्गन हैं, यानी इनके जो फंक्शंस हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है वो तो सिमिलर लगता है, बट इनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो आपका जो ओजोन डे है वो मनाया जाता है 16th सितंबर को, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन एनलिडा एंड मोलस्का, तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, नियोपेलिना। ये बहुत ही प्रिमिटिव मोलस्क है। देखिए, सिमिलर क्वेश्चन 2005 वाले सेट में हमने सॉल्व किया था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट मोलस्क, और उसके साथ मैंने ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया था। और सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ईयर पूछ लिया है। तो एक ही क्वेश्चन की आप डिफरेंट वे में एनालिसिस करिए जब आप TGT का एग्जाम देने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय। तो आपके जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करता है आपका पेसमेकर, वेगस नर्व और सिंपैथेटिक नर्व, ये तीनों। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पेयर इज करेक्ट। तो आपका डिफरेंट एग्स दिए हैं और किस ग्रुप में ये एग्स मिलते हैं ये दिया है। तो आपका पहला है माइक्रोलेसिथल एग्स,
तो माइक्रोलेसिथल एक्स आपका एम्फियोक्सिस में मिलता है, तो ये रॉन्ग होगा। होमोलेसिथल एक्स इन एम्फीबिया, तो ये आपका सी अर्चिन ट्यूनिकेट्स और मैमल्स में मिलता है, ये भी रॉन्ग है। मीसोलेसिथल एक्स, तो मीसोलेसिथल एक्स आपके एम्फीबियंस में मिलते हैं, ये भी रॉन्ग है। सेंट्रोलेसिथल एक्स इन इंसेक्ट्स, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, सेंट्रोलेसिथल एक्स इन इंसेक्ट्स। द हाइपोथेसिस ऑफ कपलिंग एंड रिपल्शन फॉर लिंकेज वॉज फॉर्मुलेटेड बाई, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, बेटसन एंड पुनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलानोग्लॉसिस इज कॉमनली नोन एज, तो बलानोग्लॉसिस को कॉमनली टंग वॉर्म के नाम से जानते हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। इन ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन, तो आपका ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स दोनों पर डिपेंड करता है। एक्स बाई ए का जो रेशियो होता है वही डिटरमाइन करता है सेक्स। अगर एक्स बाई ए रेशियो 1 है तो वो इंडिकेट करेगा कि एक फीमेल है, और एक्स बाई ए रेशियो अगर 0.5 है तो वो एक मेल होगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, एक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स बोथ। नॉनसेंस कोडॉन्स आर, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, यूएजी, यूएए एंड यूजीए। आपके जो नॉनसेंस कोडॉन हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इनको टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन को टर्मिनेट करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज डस सेंट्रोमियर डिवाइड्स इंटू 2, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, एनाफेज। विच एनिमल इज एग लेइंग मैमल, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ट्रैकियोग्लॉसिस। एन ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ऑन द टेल ऑफ सम बर्ड्स इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, प्रीन ग्लैंड, जिसको यूरोपाइजियल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये ऑयली सेक्रेशन करती है, जो बीक से ये अपने पूरे बॉडी पर स्प्रेड करते हैं ताकि ये वाटर प्रूफ और शाइनिंग रहे इनका फेदर, ठीक है। तो आपका बर्ड्स में प्रेजेंट होता है प्रीन ग्लैंड, ऑप्शन 1। अ स्नेक दैट इज विविपैरस इज, तो आपका द रसल पिटलेस वाइपर और द पिट वाइपर, ये दोनों विविपैरस हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा, कन्फ्यूजन वाला है, बोथ तो दिया नहीं है लेकिन दोनों आपके विविपैरस हैं, ठीक है। अ ग्लैंड विच इज़ फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द थाइज ऑफ मेल लिजर्ड इज, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, फीमोरल ग्लैंड। फीमोरल ग्लैंड जो है वो मेल लिजर्ड के थाइस पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजिलेट, तो आपका जो लीशमैनिया है इससे आपका कालाजार होता है, ये भी आपका एक पैथोजेनिक फ्लैजिलेट है। और ट्रिपानोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है, ये भी पैथोजेनिक है। जियार्डिया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टीन, इससे आपके डायरिया होती है, तो ये भी आपका इन्फेक्शियस है। नॉक्टिल्यू का ये आपका पैथोजेनिक फ्लैजिलेट नहीं है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। द ग्लॉचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो इस, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, इस एक्टोपैरासाइट ऑन फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्लाज्मा लेमा वॉज गिवन बाय, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, रॉबर्टसन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स, तो आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें आपके राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते उसी को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये आपके लिपिड के सिंथेसिस में, ग्लाइकोजिनोलिसिस में, स्टेरॉल के मेटाबॉलिज्म में और डिटॉक्सिफिकेशन में, इन सभी में हेल्पफुल होते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल आर करेक्ट। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन बर्ड्स इज कॉल्ड, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, चलाजी फेरस लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एबसेंट, तो आपके प्लैटी हेलमेंथीज या फ्लैट वॉर्म में एनस एबसेंट होता है, क्योंकि इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, फ्लैट वॉर्म्स। विच टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन इज फाउंड इन मैमल्स, तो जो आपके मैमल्स में जॉ सस्पेंशन है वो है क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लिवर टेक्स प्लेस बाय, तो ऑप्शन 4, ऑर्निथिन साइकिल। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज फाउंड इन, तो यानी सेक्सेस सेपरेट होते हैं आपके एस्कारिस में, ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, हाइड्रा। फाइलम सीलेंट्रेटा में आपके नर्व सेल्स का ओरिजिन हो जाता है लेकिन प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, हाइड्रा। Aristotle's Latin occurs in, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, इक्नोइडिया। नियोटेनी इज ऑब्जर्व्ड इन, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, एम्बाइस्टोमा।
जो आपका नियोटेनी होती है वो होती है आपकी कि लार्वा या फिर एम्ब्रियोनिक ट्रेट जो होता है वो उसी स्टेज में रह जाता है और वो अडल्ट स्टेज को अटेन नहीं करता है, ठीक है। तो ये देखा जाता है एम्बाइस्टोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनीज़ आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे, तो जो आपकी किडनी है वो आपका बॉडी फ्लूइड का रेगुलेशन भी करती है, एसिड बेस का बैलेंस भी रेगुलेट करती है, मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल में हेल्पफुल है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, स्पोरोजॉइट। लास्ट क्वेश्चन है, पैरासिटिक कैस्ट्रेशन अकर्स इन, तो पैरासिटिक कैस्ट्रेशन आपके सैक्यूलिना में देखा जाता है। पैरासिटिक कैस्ट्रेशन एक टेंडेंसी है या ये कहिए एक मेथड है जिसमें जो पैरासाइट होता है वो अपने होस्ट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या गोनाइड्स के डेवलपमेंट को रोक देता है और एक तरह से उसको रिप्रोडक्शन लेस बना देता है, ठीक है। तो आपका जो सैक्यूलिना है वो एक आर्थ्रोपॉड है जो कि क्रैब के ऊपर पैरासाइट होता है और ये पैरासिटिक कैस्ट्रेशन शो करता है क्योंकि ये उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर फीड करता है, ठीक है। तो क्रैब आपका इनफर्टाइल हो जाता है और फाइनली उसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, सैक्यूलिना। तो ये हमने आज 2009 के TGT बायोलॉजी का पेपर कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे साथ ही साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सॉल्व पेपर के साथ जिसमें हम सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।